दोस्तों आज के समय में हर एक कॉलेज जाने वाला लड़का, हर एक इंसान चाहता उसके अच्छे एप्स हो, एक अच्छी पर्सनालिटी हो। अगर आपके अंदर फैट है तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे वर्कआउट जिन्हें आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई जिम मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कहीं पे जाने की जरूरत है। ये एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके एब्स जल्दी निकल आएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई जिम मेंबरशिप की। फ्रेंड्स, आप मेहनत तो कर लेते हैं, वर्कआउट तो कर लेते हैं, लेकिन आपको इफेक्ट नहीं मिल पाता, आपका फैट बन नहीं पाता है और आपके सिक्स पैक निकल नहीं पाते। उसका रीज़न ये, आप एक्सरसाइज में वेरिएशन नहीं करते। एक ही एक्सरसाइज आप बार बार रिपीट करते हैं जिससे आपके एब्स बन नहीं पाते। जिस एक्सरसाइज को आप जानते हैं वही एक्सरसाइज आप रिपीट करते हैं जिससे आपके एब्स नहीं बन पाते। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बताऊंगा ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें आपने पहले किया होगा और किसी ने नहीं भी किया होगा, तो इस एक्सरसाइज को करें और आपके एब्स जल्दी ही निकल आएंगे, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी। अगर फैट है तो आपका फैट बर्न होगा और एब्स निकल आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको सही जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, पहली एक्सरसाइज करेंगे आप लेग रेस। बहुतों ने ये एक्सरसाइज किया होगा और बहुत सारे लोग इसे अवॉइड भी करते होंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है आपके एब्स के लिए। आपको इस तरह से आपको परफॉर्म करना है, इससे आपको आपके जो लेग है ऊपर आपको उठाना है, जिससे आपके लोअर एब्स पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज आप दूसरी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, प्लैंक। ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है एब्स में। अगर आप इसे परफॉर्म करते हैं तो आपके डेफिनेटली फैट आपका बर्न होगा। आपको क्या करना है, अपने शरीर को, बॉडी को इस तरह से होल्ड करना है अपने नी पर। इस तरह से आपको नी पर होल्ड करना, जितना हो सके आप एक मिनट कर सकते हैं, आधा मिनट कर सकते हैं, और इस तरह से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना, जिससे आपका लोअर फैट काफ़ी तेज़ी से बर्न होगा। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके एब्स के लिए और ये एक्सरसाइज आप कहीं पर भी कर सकते हैं, घर पर ही कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज के बारे में, जो है सीटेड नी ट्रंक। इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से अपना पोजीशन बनाना होता है और अपना जो बॉडी वेट है अपने हिप पे रखना होता है। इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रखना है, ध्यान से देखिए इस वीडियो हम बता रहे हैं। इस तरह से अपने हाथों को थोड़ा पीछे रखना है और अपना जो बॉडी का वेट है वो आपके हिप पर रखना है, और इस तरह से अपने पैरों को आगे लेके जाना और पीछे मूवमेंट लेके आना। इससे आपके लोअर एब्स पर इफेक्ट पड़ेगा फ्रेंड्स, जिससे आपके लोअर एब्स काफ़ी तेज़ी से बन पाएंगे, और यहीं पे ही सबसे ज़्यादा फैट होता है लोअर एब्स पे। तो आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड ना करिए, जिससे आपके लोअर एब्स पर इफेक्ट पड़ेगा और आपके जो फैट होगा वो बर्न होगा और सिक्स पैक में कन्वर्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चौथी एक्सरसाइज, जो है पार्शियल आर्म सिटअप। ये एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है अगर आप चाहते हैं अपर एब्स को बनाना। फ्रेंड्स, अब लोअर एब्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब बात करते हैं अपर एब्स के बारे में। इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करेंगे, ये बिगिनर के लिए भी कर सकते हैं, और इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस तरह से अपने नी को थोड़ा बेंड करना है, इस तरह से अपने आर्म्स को सीधा करना है और हाथों को ऊपर लेके आना है। इससे आपके जो अपर एब्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये एक्सरसाइज को आपको जितना हो सके उतना रेपिटेशन करिए। अगर हो सके तो एक सेट में आपको 10 से 15 रेपिटेशन करना है। इस तरह से आप 4 सेट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आप घर पे ही कर सकते हैं, जिससे आपके अपर एब्स पर इफेक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं पांचवी एक्सरसाइज, जो है रशियन ट्विस्ट। ये आपके ऑब्लिक्स के लिए, ये एक्सरसाइज करने से आपके जो ऑब्लिक्स होते हैं, साइड का जो फैट होता है वो बर्न होता है। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज में भी अपना वेट जो है हिप पर रखना है, और इस तरह से आपको थोड़ा सा मूवमेंट करना है राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस तरह से मूवमेंट करने से आपका जो साइड का फैट है वो काफ़ी तेज़ी से बर्न होगा। तो इस तरह से आपको अपना जो बॉडी वेट है हिप पर ही रखना, तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है आपके ऑब्लिक्स के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लोअर एब्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट होता है, फिर अपर एब्स और साइड एब्स, तीनों एब्स के लिए मैं एक्सरसाइज आपको बता ली। तो फ्रेंड, ये था वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।